असाधारण परिणाम, अविश्वसनीय रिजल्ट चाहिए क्या आपको जिंदगी में? असाधारण परिणाम अगर चाहिए आपको तो इस ट्राइंगल को देख लो, इसका कौन सा हिस्सा है जो मजबूत है ज्यादा? यही है ना, ऊपर वाला क्या मजबूत? ऊपर वाला तो नीचे वाले पे टिका हुआ है। अरे बेस मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आदमी का? बेस ही खत्म, आजकल देखा होगा आपने, बेस खत्म है, पेंटें यहां लटक रही है, साली मांग ही दिख रही है लोगों की, कुछ होश ही नहीं है। मैं फ्लाइट में आ रहा परसों पहले रोज कलकत्ता वाली में, तो मैं सी पे बैठता हूं हमेशा, आइल सीट, तो डी वाला आदमी सूटकेस रख रहा था यूं, इतना करते जा रहा था और ये नीचे आता जा रहा था। मैंने कैमरा निकाला, क्या फिर वो बैठ गए, भाई साहब ये कौन है? आई डोंट नो, ऐसी फोटो क्यों रखते हो आप? ये तेरी है, तुम्हें फ्रंट का ही पता है, तुम्हारा पिछवाड़ा किधर जा रहा है तुम्हें होश नहीं है? जैसे जिंदगी में जिनका बेस नीचे आ गया ना, उनका बेस भी खत्म है। अपनी आखिरी कौम है संदीप जी, जो पेंट से ही बांधते थे, अब वाली पीढ़ियां है ना, जेब तो यहां है, सर जेब इतना नीचे गया तो तेरा बैंक बैलेंस कितना नीचे गया होगा, लटक रही है। मेरे को ताज्जुब है हम किस युग में आ गए जहां बटन की नहीं चलती, जहां बेल्ट की नहीं चलती, ऐसी आ रही है। साला पहले पूरे पांच आदमी मिलके नहीं खोल सकते थे? गई रे। अपना बेस हमेशा मजबूत रखना, जबरदस्त। और यहां बेस कौन सा है? उद्देश्य। इसलिए बेस की इतनी ज्यादा व्याख्या की है मैंने आपको, जिसका बेस टिकाऊ मजबूत है उसका पूरा का पूरा बिल्डिंग मजबूत होगी। और बेस टिकता है उद्देश्यों पे, लक्ष्यों पे, आपके गोल्स पे। और जैसा उद्देश्य होता है वैसी प्राथमिकताएं होती है। ध्यान से सुनना भाई लोगों, हेलो, डू, जैसा उद्देश्य वैसी प्राथमिकताएं, और जगत जाता है जैसी प्राथमिकताएं वैसे उद्देश्य। एक बाबा था, इधर जा रहा था, बाल बड़े थे, हवा भी इधर की थी, तो बाल मुंह पे आने लग गए, दिमाग खराब हो गया, इधर मुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है साला? कोई फर्क पड़ा? अरे तू दक्षिण जा रहा था, उत्तर हो गया, इससे ज्यादा और क्या फर्क पड़केगा? लेकिन उसके फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाल नहीं आने चाहिए। प्राथमिकता की वजह से लक्ष्य बदल लिया। जिंदगी में जैसे लक्ष्य और उद्देश्य होंगे ना, वैसे ही प्राथमिकता। सैकड़ों काम है मैं जो नहीं करता, सैकड़ों जो मैं कर सकता हूं, उसके लिए धन, समय, एफर्ट सब है मेरे पास, लेकिन उन सैकड़ों कामों के मैं लात इसलिए मारता हूं क्योंकि वो काम मेरी प्राथमिकता में नहीं है, वो मेरे उद्देश्य से रिलेवेंट नहीं है, वो मेरे बिल्डिंग के कॉलम में फिट नहीं होता है, वो सेट नहीं होता है, इसलिए मैं वो काम नहीं करता हूं। पूरी दुनिया आपको प्राथमिकताओं में सिखाएगी क्या क्या करो, ये बहुत हो गया, अब ये देखो क्या क्या नहीं करो, क्योंकि क्या क्या करो के चक्कर में तो आदमी सुन, हाँ ये करो ये करो, ये सब समझ रहे हैं, जानते यूट्यूब पे है सब है, ओ, ओ, ओ। क्या क्या नहीं करो ये सोचो। प्राथमिकताएं कैसी होती है? जैसा आप तो मेरी बातों में मंत्र मुग्ध हो गए, वशीकरण मंत्र में वशीभूत हो गए, ऐसे लगता है हो गए, मदहोश हो गए ऐसे। अरे कुंभा महाराज हो, जवाब दे हो, प्राथमिकताएं कैसी होनी चाहिए? जैसा उद्देश्य हो, जैसा उद्देश्य, जैसा गोल। अमीर और कामयाब बनना गोल है तो चौराहे पे भटकना बंद कर, फालतू के गप्पे मारना बंद कर, लोगों की बुराइयां करना बंद कर, झूठ बोलना बंद कर। अगर प्रायोरिटी से आपने अपनी जिंदगी में चेक नहीं किया तो लक्ष्य अलग और प्रायोरिटी अलग, त्रिभुज बन जाओगे।
चतुर्भुज बन जाओगे। वही काम करो जो लक्ष्य की तरफ लेके जाए, वही काम करो जो उद्देश्य की तरफ लेके जाए, और जैसी प्राथमिकताएं होगी वैसी प्रोडक्टिविटी, वैसी उत्पादकता होगी। समझ में आया? जैसा उद्देश्य होगा वैसी प्राथमिकताएं, और जैसी प्राथमिकताएं होंगी वैसी, और जैसी उत्पादकता होगी वैसा लाभ होगा। इस बेस पे जो चलेगा उसे परिणाम नहीं असाधारण परिणाम प्राप्त होंगे, असाधारण, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। कोई साथ पकड़ में आया चारों में से? आपको अपनी जिंदगी में अगर असाधारण परिणाम चाहिए, इस डायग्राम को दीवारों पे, फ्रिज पे, रसोई पे, शांति निकेतन पे, शांति निकेतन पे जरूरी है, जानते हो नहीं शांति निकेतन, जहां कोई माइकलाल शांति को भंग नहीं कर सकता, जहां 15 मिनट कोई आपसे छीन नहीं सकता, जहां 20 मिनट 30 मिनट कोई पाबंदी नहीं है, पत्नी की चू नहीं, बच्चों की पैर नहीं, कुछ नहीं, आप और आपका अपना समय, वो है शांति निकेतन। वहां तो जरूर चिपकाना, ताकि वहां ये पता रहे उद्देश्य तेरा क्या है। साले तू बेस पे बैठा है, बेस बना, तेरा बेस बना, तेरी प्राथमिकता क्या है तू वो प्राथमिकता बना, तेरी प्रोडक्टिविटी क्या है वो प्रोडक्टिविटी बना, जिससे तेरे बैंक में बैलेंस आएगा तब काम होगा। असाधारण परिणाम कब मिलते हैं? जब उद्देश्य के ऊपर प्राथमिकताएं वैसी टिकी हो, प्राथमिकताओं के ऊपर प्रोडक्टिविटी वैसी टिकी हो, और फिर वैसा लाभ मिलता हो। अगर आपको बैंक में बैलेंस नहीं आ रहा है, अगर आपके पास धन सुख समृद्धि नहीं आ रही है, बेस कमजोर है, उद्देश्य गड़बड़ है, बिल्डिंग में कॉलम नहीं है, ईंटों पे खड़ी कर दी, पड़ोसी की बिल्डिंग के किनारे लग के टिकी हुई है, ये समझ लो आप। खुद के कॉलम खड़े करो, खुद का लक्ष्य बनाओ, खुद का उद्देश्य बनाओ।